हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग पूरी स्क्वाड को हैंडल कैसे कर सकते हो, यानी कि पूरी स्क्वाड को वाइप आउट कैसे कर सकते हो। आप लोगों ने बड़े बड़े यूट्यूबर के वीडियोस में देखा होगा कि वो तुरंत ही एक स्क्वाड को वाइप आउट कर देते हैं, जैसे कि अज्जू भाई हो गए, टोंडे गेमर हो गया, तो वो लोग तुरंत ही स्क्वाड को कैसे वाइप आउट करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ, जिन्हें यूज करके आप लोग भी एकदम मास्टर बन जाओगे। तो आज के वीडियो में जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा, अगर आप लोग उन्हें यूज करते हो तो आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा, आप लोग इजीली स्क्वाड को वाइप आउट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एंड में आप लोगों को बताता हूँ टॉप 5 टिप्स टू वाइप आउट स्क्वाड। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। टिप्स नंबर 1, पेशेंस, यानी कि देर ये रखना है आप लोगों। तो आप लोगों को क्या करना है, हमेशा आप लोगों को पेशेंस रखना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग धैर्य रखोगे उतना ही आप लोगों को समझ में आएगा कि बंदा कहाँ पर है और उसकी पोजीशन क्या है, जिससे कि आप लोगों को पूरी स्क्वाड के बंदे कहाँ पर है और कहाँ से आप लोगों को रश करना है, सब कुछ आप लोगों को एकदम धैर्य रखना है, तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो हमेशा आप लोगों को पेशेंस रखना है, क्योंकि 1v4 में पूरा पेशेंस का ही गेम है। जितना आप लोग धैर्य रखोगे उतना ही आप लोग इजीली 1v4 कर सकते हो। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर आप लोगों को स्कोर वाइप आउट करनी है तो आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। टिप्स नंबर 2, यूज हाई डैमेज गन। तो आप लोग क्या गलती करते हो, आप लोग स्कोर के बीच में MP40 या फिर MP5 लेके चले जाते हो। आप लोग एक दो बंदे को तो डाउन कर पाते हो, लेकिन फिर वो लोग आप लोगों को इजीली मार देते हैं, क्योंकि MP40 या फिर SMG गन में डैमेज बहुत कम होता है, आप लोगों को हेडशॉट ही मारना पड़ेगा। तो आपको SMG या फिर लो डैमेज वाली गन को यूज नहीं करना है, आपको यूज करनी है शॉट गन, जैसे कि M1014 ट्रेगोन, जिसमें आप लोगों को हाई डैमेज देखने को मिलता है। एंड इस गन से आप लोग इजीली स्कोर को वाइप आउट कर सकते हो। एंड आपको M1887 को यूज नहीं करना है, क्योंकि उसमें आप लोगों को 2 ही गोली मिलती है, भले ही वो शॉट गन है लेकिन आप लोगों को उसमें 2 ही गोली मिलती है। एंड अभी उसका डैमेज भी कम कर दिया है, तो आप लोगों को उसे यूज नहीं करना है, उससे आप लोग कभी भी स्कोर को वाइप आउट नहीं कर पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप लोगों को स्कोर वाइप करनी है तो आप लोगों को M10 या फिर ट्रेगोन गन को यूज करना है, जिसमें कि हाई डैमेज होता है। बढ़ते हैं हमारी टिप नंबर 3 की तरफ, स्कोर को घुमाकर मारना है। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि बंदों को घुमा घुमा के मारना है, ना कि आपको सामने जाकर मरना है। अगर आप लोग सामने जाकर फाइट करोगे तो इजीली आप लोगों को वो चार बंदे मार देंगे, तो इसलिए हमेशा आप लोगों को घुमाकर बंदे को मारना है, जिससे कि वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड आपको उसी का फायदा उठाना है और सिंपली एक एक करके सबको मारना है घुमा घुमा कर। एंड आपको बेसिकली अपनी लोकेशन नहीं देनी है सामने वाले बंदे को, इस तरह से आप लोगों को खेलना है। एंड आप लोग डायरेक्टली रश करके नहीं मार पाओगे बंदों को, आप लोगों को घुमा घुमा कर ही बंदों को मारना होगा। है अभी हमारी टिप नंबर 4 की तरफ, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग क्या मिस्टेक करते हो, जिससे कि आप लोगों को वो चार बंदे मार देते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आप लोगों को लॉन्ग रेंज में फाइट नहीं लेनी है, अगर सामने चार बंदे हैं तो, क्योंकि अगर आप लोग लॉन्ग रेंज में फाइट लोगे तो वो चार बंदे आप लोगों को सिंपली एक एक गोली मारेंगे और आपका काम तमाम हो जाएगा। एंड अगर आप लोग सामने वाला का एक भी बंदा डाउन करोगे तो तुरंत ही वो लोग ग्लू डाल के रिवाइव कर लेंगे, तो आप लोगों को कुछ फायदा ही नहीं होगा। एंड अगर सामने वाले बंदे के पास स्नाइपर हुई तो आपका काम वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आप लोगों को लॉन्ग रेंज फाइट को अवॉइड करना है, लॉन्ग रेंज की फाइट नहीं लेनी है। बढ़ते हैं अभी हमारी टिप नंबर 5 की तरफ। तो आप लोग क्या करते हो कि जैसे ही सामने आप लोगों को स्कोर दिखती है, आप लोग तुरंत ही उसके बीच में चले जाकर ऐसा सोचते हो कि अभी स्कोर को वाइप आउट कर देता हूँ, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को चटनी बना देते हैं वो चार बंदे, अगर आप लोग उसके बीच में घुस जाते हो तो। तो हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि कभी भी स्कोर के बीच में नहीं घुसना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले टिप्स बताई, उन्हें यूज करना है, पेशेंस रखना है और घुमा घुमा कर मारना है। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 टिप्स बता दी आपको स्कोर को हैंडल कैसे करना है या फिर वाइप आउट कैसे करना है। तो अगर आप लोगों को भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।